वंदे भारत एक्सप्रेस, अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ट्रेन है, तो मैं कंफर्म बेसिस पे कह सकता हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस है। बिकॉज वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको 360 डिग्री रोटेबल चेयर्स मिल जाएंगी, बिग विंडोज मिल जाएंगी, कैमरा पूरे ट्रेन में लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, सेंट्रलाइज्ड एसी है। सबसे अच्छी चीज़ है जीपीएस इनेबल्ड है, मतलब उसकी पोजीशनिंग जो होती है वो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के थ्रू होती है। तो अगर मैं बात करूँ, अनाउंसमेंट वगैरह भी उसमें पूरा सेंट्रलाइज चलता है। तो अगर मैं बात करूँ कि इंडिया में जो सबसे अभी एडवांस्ड और सबसे हाईटेक स्पीड वाली कोई ट्रेन चल रही है, वो वंदे भारत चल रही है। कुछ एक रूट्स पे ऑलरेडी चल चुकी है पिछले 1-2 साल में। अच्छी बात यह है कि बिलासपुर को भी मिल गई है, और साथ साथ में एक साथ उस एरिया में दो वंदे भारत एक्सप्रेस मिली हैं रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू। दैट इज, एक मिली है बिलासपुर को और एक मिली है नागपुर को। एंड रिगार्डिंग दिस, बहुत सारी तैयारियां होनी है। कोचिंग डिपो वगैरह रहेगा, मेंटेनेंस क्या होगा, कैसा होगा, वो सारी चीज़ें अभी होंगी। और डेफिनेटली जब अनाउंसमेंट होता है, 1-1.5 महीना पहले अनाउंसमेंट हुआ था कि शायद मिल जाएगी, अब कंफर्म भी हो गया है, तो फिर वो उसके डिब्बे बनने लगते हैं, फिर आने में टाइम लगता है। तो थोड़ा 1-2 महीने, 3 महीने का, ये थोड़ा सा ज़्यादा और टाइम लग सकता है, लेकिन अनाउंस हो गई है। और नो डाउट बिलासपुर को मिली है तो बहुत सही मिली है। बिकॉज बिलासपुर एक ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं, ऐसा स्टेशन बोल सकते हैं, जो कि ईस्टर्न इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ता है साउथ और वेस्ट इंडिया से। मीन्स बिलासपुर से अगर मैं शहडोल कटनी साइड अगर देखा जाए तो वेस्टर्न इंडिया कनेक्ट हो जाता है, और अगर नीचे जाए तो महाराष्ट्र से होते हुए साउथ इंडिया कनेक्ट करता है, एंड वो आता है ईस्ट इंडिया से, नॉर्थ से भी आती हैं रूट्स। तो बिलासपुर जो है वो पॉइंट है जहाँ पे ये सारे रूट्स कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। रूट अभी फाइनल नहीं हुआ है कि वो किस रूट से चलेगी। अगर चलती है फॉर द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली के लिए चलती है, तो उसके पास दो रूट होंगे। दो रूट में इन द सेंस वो या तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागपुर रूट होते हुए भोपाल होते हुए दिल्ली कनेक्ट करे, जैसे कि राजधानी और दूसरी ट्रेनें वहाँ से चल रही हैं। एंड अगर वैसा नहीं चलती तो दूसरा जो रूट है वो डेफिनेटली शहडोल से होते हुए जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है अगर रूट डिसाइड हुए और शहडोल से होके डिसाइड हुआ। बिकॉज नागपुर को ऑलरेडी एक मिल गई है, तो उसी रूट से दूसरी वंदे भारत जाना अगेन क्वेश्चन मार्क रहेगा। बिकॉज नागपुर से बिलासपुर की दूरी 8-10 घंटे की है, 8-10 घंटे बाद एक और वंदे भारत चलेगी, तो उसी रूट में दो दो वंदे भारत एक अगेन क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर वंदे भारत बिलासपुर टू दिल्ली अगर शहडोल रूट से जाती है तो डेफिनेटली नया रूट उसको मिल जाएगा, और इस रूट में इतनी हाई लेवल की गाड़ी अभी कोई चल भी नहीं रही है। चल पाएगी या नहीं चल पाएगी ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, बिकॉज डेफिनेटली वो हाई एंड ट्रेन है, ज़्यादा प्राइजेज रहेंगे टिकट की, प्लस उसको इतना रश इधर मिलेगा नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं रूट क्या होता है क्या नहीं होता है। डेफिनेटली कुछ दिन में अनाउंस हो जाएगा रूट, ट्रेन भी आएगी चलेगी भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिलासपुर और नागपुर को एक एक वंदे भारत फाइनलाइज अलॉट हो गई है रेलवे बोर्ड की तरफ से। बहुत सारी तैयारियां लगती हैं, वो सारी तैयारियां करने के बाद ट्रेन भी दे दी जाएगी, रेक दे दिया जाएगा, और रेक देने के बाद तो उसको खड़ा तो रखेंगे नहीं, चलाएंगे ही सही, और किस रूट से चलाएंगे वो भी कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। सो ये एक अपडेट था वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके, और आसपास ही है, हो सकता है शहडोल होके जाए, ये एक अलग अपने आप में अचीवमेंट होगा। आई होप आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उन लोगों तक पहुंचाएं जो रेलवे को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।